नमस्कार दोस्तों, MCG एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेगुलर मैं आप लोगों के लिए जो है डेली अपडेटेड करेंट अफेयर्स लेकर के आता हूं, तो आज आप लोगों का 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो आइए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। यदि आप सभी इसका PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। फुल टाइम में आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाता हूँ उसका PDF फाइल आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होता है। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के जो है करंट अफेयर्स की। इसमें पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, घरेलू और व्यावसायिक इकाइयों के कचरे के पृथककरण, प्रसंस्करण और निपटान हेतु भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक जल्द ही मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो हाल ही में जो है MP गवर्नमेंट जो है ई कचरा क्लिनिक स्थापित करने वाली है, किस शहर में स्थापित करने वाले हैं, यह आप लोगों का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, घरेलू और व्यापारिक इकाइयों के कचरे के पृथककरण, प्रसंस्करण और निपटान हेतु भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक जल्दी ही हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खुलने वाला है। तो ऑप्शन बी इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी स्थापना के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भोपाल नगर निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह 3 महीने की पायलट परियोजना है। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ई कचरा जो डंपिंग किया जा रहा है, इस परियोजना का नाम क्या है, पायलट परियोजना। अगर यह सफल होती है तो इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कचरे को या तो डोर टू डोर एकत्रित किया जाएगा या व्यक्तियों द्वारा सीधे क्लिनिक में जमा कराया जा सकता है। तो आई होप जो यदि ये सफल होती है तो फुल कंट्री ये लागू होने वाला है। ओके, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोगों से क्या कहता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 10 स्थान गिरकर कितने स्थान पर आ गया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत पहले जो है 58वें नंबर पर था, जो कि 10 पायदान नीचे खिसककर सीधा 68वें नंबर पर पहुंच गया है। तो ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। भारत साल 2058 में जो है 2018 में 58वें रैंक पर था। सिंगापुर इस बार अमेरिका को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ गया है। मीन्स लास्ट टाइम पहले स्थान पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कौन था, अमेरिका। दिस टाइम कौन है, सिंगापुर। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में पहले स्थान पर किस देश ने हासिल किया है। तो पहला स्थान जो है सिंगापुर ने हासिल किया है, सेकंड है अमेरिका का। व्यापार युद्ध या ट्रेड वॉर के चलते अमेरिका को अपनी पहली रैंकिंग गंवानी पड़ी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अमेरिका और चीन के बीच में हाल ही में जो है ट्रेड वॉर चला था, बहुत ही काफ़ी लंबे समय तक चला था। ब्राज़ील को वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 71वें स्थान पर रखा गया है। तो ब्राज़ील जो सबसे ज़्यादा किसके लिए, चीनी के उत्पादन के लिए माना जाता है, तो उसको 71वां स्थान इसको प्राप्त हुआ है। ओके, तो थोड़ा सा इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करते हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF ने हाल ही में प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्थाओं वाली 2019 की लिस्ट जारी कर दी है, और जिसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत जो है 68वें स्थान पर आ गया है। साल 2018 में इसकी रैंकिंग कौन सी थी, 58वां था, और सिंगापुर इस बार अमेरिका को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ चुका है। भारत इस साल ब्राज़ील के साथ ब्रिक्स देशों में सबसे कमज़ोर प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं से रहा है। तो भारत इस बार, इकोनॉमी भारत की गिर चुकी है, इसका रीज़न अभी तक जो है फाइंड नहीं कर सके हैं। इसकी जो है शीर्ष दो टॉप 10 देश थे उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहले स्थान पर जो है कौन रहा है, सिंगापुर रहा है पहले स्थान पर। ओके, अमेरिका रहा है इसमें दूसरे स्थान पर, हांगकांग रहा है इसमें तीसरे स्थान पर। ओके, और नीदरलैंड की जब बात करते हैं तो 4th रैंक इसने हासिल की है, और स्विट्जरलैंड जो है 5वें स्थान पर रहा है। जापान की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतना लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी 6वें स्थान इसने हासिल किया है। जर्मनी 7वें स्थान पर, स्वीडन 8वें, और यूनाइटेड किंगडम UK की जब बात करते हैं तो 9वां स्थान पर रहा, और 10वें स्थान पर डेनमार्क की पोजिशन रही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका फुल PDF फाइल और फुल डिटेल के साथ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको आप लोगों को जोड़ना जरूर है। समस्त रैंकिंग में भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग में श्रीलंका 84वें स्थान पर रहा, बांग्लादेश 105वें स्थान पर, नेपाल 108वें स्थान पर, और पाकिस्तान 110वें स्थान पर रहा है। ओके, इस सूची में चीन 28वें स्थान पर तथा वियतनाम 67वें स्थान पर रहा है। तो आप लोगों को ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि कौन सा देश कौन से स्थान पर रहा है। ओके, तो आप लोगों को जो है बिल्कुल ही सब कुछ क्लियर रहना चाहिए। क्यों, यदि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर नहीं होंगी तो शायद से आप जो है इसमें फाइंड नहीं कर पाओगे किस प्रकार से क्या क्या आप सभी को करना है। ओके, तो आप लोग ज्ञात कीजिएगा किस प्रकार से क्या क्या इसमें करना है।
अब इसके बारे में थोड़ा सा जो है भारत कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में 15वें स्थान पर रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। विश्व आर्थिक मंच मीन्स WEF ने भारत को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में 15वें स्थान पर रहा है, 15वें स्थान पर रखा है। तो इसमें जो है नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत को इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो इसका फुल डिटेल यदि आप लोग पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों को इसका PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ओके, इसी के साथ मैं आप लोगों को थोड़ा सा और सूचित करना चाहूँगा दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी आपसे कहना चाहूँगा, हर रोज़ अपना एक छोटा सा गोल डिसाइड कीजिए और उसको अचीव करने में पूरा दिन लगा दीजिए। मेरा पूरा दिन जो भी टारगेट रहता है आप लोगों के लिए ही रखता हूँ मैं, कि आप लोगों को रेगुलर इवनिंग में 8 बजे रेगुलर आप लोगों को करंट अफेयर्स मिलता है। कौन सा? जनवरी 2018 से आप लोगों के सेप्टेम्बर 2019 का जो RRB की जो वैकेंसीज निकली है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ डेली अपडेटेड करंट अफेयर्स भी आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। हर दिन 9 बजे आप लोगों के लिए साइंस की क्लास चलती है, नाइट में 10 बजे आप लोगों के लिए मैथ्स का क्लास चलता है, 11 बजे आप लोगों के लिए क्या चलता है, रीजनिंग चलता है, दोपहर 2 बजे GS का सेक्शन भी आप लोगों के लिए कंटिन्यू चल रहा है। ओके, इसी के साथ आई होप सब कुछ ठीक ही चल रहा है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं आप लोगों के लिए, क्या कहते हैं आप लोगों से दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, किस देश ने हाल ही में चीन के सिनीजियांग में उइगर मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर चीन की 28 संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया है? तो हाल ही में चीन जो है, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा किस देश ने, तो हाल ही में अमेरिका ने हाल ही में चीन के सिनीजियांग में उइगर मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर चीन की 28 संस्थाओं को जो है ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। ओके, तो इसी के साथ अमेरिका के वाणिज्य मंत्री वर्तमान में कौन है, बिल्बर रोसा ने, तो बिल्बर रोसा ने इस फैसले की घोषणा की, इससे ये संस्थाएं अब अमेरिका से सामान नहीं खरीद पाएंगी। अमेरिकी फेडरल रजिस्टर में जो है आप लोगों को बता होना चाहिए, अमेरिकी फेडरल रजिस्ट्रेशन में जो है यह आयतन की वृद्धि की गई है। काली सूची में कई संस्थाओं, वीडियो निगरानी कंपनी हक विजन, कंपनी का नाम क्या है, हक विजन, इसको भी ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। ओके, और भी कई सारी कंपनियां जैसे कृत्रिम मेघा कंपनियां, मेघवी टेक्नोलॉजी और सेंस टाइम आदि कंपनियां इसी के अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी के चलते मैं आप लोगों को जो है ये सब कुछ लेकर के आता हूं कि आप लोगों से क्या क्या करवाया जा रहा है। तो आप लोगों को जो है हर तरीके से ये सब चीज़ें आप लोगों को फाइंड करनी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है आप लोगों का क्या कहता है, आप लोगों से क्वेश्चन कहता है आप लोगों से दोस्तों, इंटरनेशनल तो आप लोगों को होना चाहिए, जो आप लोगों का इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के माइनर प्लेनेट सेंसर के अनुसार किस ग्रह ने बृहस्पति को पछाड़कर सौरमंडल में सर्वाधिक चांद वाला ग्रह बन गया है? तो कौन सा ग्रह बन गया है ये आप लोगों को बताना था। तो इसमें जो उसका जो आप लोगों का बन गया है वो है आप लोगों का, कौन सा बन गया है आप लोगों का, वेरी 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 इजी क्वेश्चन है। आप लोग क्या इसको समझ नहीं पाते हो, तो इसमें आप लोगों का क्या राइट आंसर होने वाला है मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है सनी, ऑप्शन नंबर डी इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। इंटरनेशनल इकोनॉमिकल यूनियन के माइनर प्लेनेट सेंसर ने शनिवार के आसपास 20 नए चांद खोजे हैं, किसके लिए, शनि के लिए, जिससे इसके ज्ञात उपग्रहों की संख्या 82 हो गई है। शनि के पास पहले क्या है 79 ज्ञात चांद थे, अब जो है 82 हो चुकी है। ये ग्रह बृहस्पति को पछाड़कर सौरमंडल का सर्वाधिक चांद वाला ग्रह बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार नए खोजे गए ग्रहों में 17 शनि के घूमने की दिशा के उल्टे, जबकि 3 उसकी दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो 20 ग्रहों की खोज की है जिसमें से 3 को शनि के उपग्रह के रूप में जोड़ दिया गया है। ओके, अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का क्या नाम है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का क्या नाम है, शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संयुक्त रूप से कितने परियोजनाओं की शुरुआत की? तो जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में प्रधानमंत्री के साथ मिलकर जो है 3 नई परियोजना की शुरुआत की है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा।
तीन परियोजनाओं में पहला क्या है, बांग्लादेश में एलपीजी के आयात से संबंधित परियोजनाएं, दूसरा है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। तो ये इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और साथ ही साथ इसमें कोई आप लोगों का अपडेट कर दिया है, तीन परियोजनाओं में एलपीजी और दूसरा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रामकृष्ण जो मिशन विवेकानंद भवन का निर्माण। तीसरा क्या था आप लोगों का, तीसरा बांग्लादेश भारत पेशेवर कौशल विकास संस्थान की जो है स्थापना करना, इसका मुख्य इम्पोर्टेंट फैक्ट था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चार दिन की भारत यात्रा पर थी, वे विश्व आर्थिक फोरम द्वारा आयोजित भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित की गई थी। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का कहता है, दिल्ली सरकार ने सड़क हादसों में घायलों के इलाज के लिए औपचारिक तौर पर किस योजना को लॉन्च किया है। तो दिल्ली सरकार ने घायल पीड़ितों को औपचारिक रूप से उनको सुरक्षित करने के लिए जो है जो मूल रूप से जो परियोजना की शुरुआत की है उसका नाम है दोस्तों आप लोगों का फरिश्ते। तो क्या है इसमें आप लोगों का फरिश्ते परियोजना की शुरुआत की है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोगों का राइट आंसर होगा। इस अभियान की मदद से सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों का इलाज किसी भी अस्पताल में निःशुल्क किया जाएगा, दिल्ली सरकार इलाज का पूरा खर्चा वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सड़क पर घायलों को मदद करने वाले एक दर्जन लोगों को सम्मानित भी किया है। ओके, तो इसी के साथ ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को एग्जाम में क्वालिफाई करती हैं और डिसक्वालीफाई करती हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किस राज्य में वेल्लारी जिले में स्थित डोनी मलाई खान में खनन कार्य शुरू कर दिया है। तो हाल ही में जो है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किस राज्य में, तो हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हाल ही में कर्नाटक में जो है डोनी मलाई जो स्थित जगह है, डोनी मलाई क्षेत्र का पड़ता है कर्नाटक में, तो वहां पर खनन का कार्य शुरू कर दिया है। डोनी मलाई में खनन प्रारंभ करने का उद्देश्य लौह अयस्क की आपूर्ति में वृद्धि करना और इसकी कीमतों में कमी लाना है। वर्तमान में राज्य में लौह अयस्क खननकर्ताओं ने लागत में वृद्धि तथा कमजोर मांग के कारण इसका परिचालन बंद कर दिया गया है। इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है दोस्तों, यदि मैं फिर से बोलना चाहूँगा, पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना जो कि पढ़ने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, भारत मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमाडे एलिफेंट के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। तो भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास जो कर दिया जा रहा है उसका नाम क्या है, नोमाडिक एलिफेंट। और ये दोस्तों भारत के हिमाचल प्रदेश में इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में मंगोलाई सेना का प्रतिनिधित्व एलीट जो 084 एयरबोर्न स्पेशलिस्ट टास्क बटालियन के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, राजपूताना राइफल्स की बटालियन टुकड़ी द्वारा किया जा रहा है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी विरोध और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में सैनिकों को प्रशिक्षण देना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। ओके, और ये रहा आप लोगों का आज का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस शहर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय सेफ सम्मेलन में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानव प्राधिकरण का ट्रांस फैट फ्री लोगो जारी किया है। तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अभी वर्तमान में हमारे कौन हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो इन्होंने हाल ही में 8वें अंतर्राष्ट्रीय सेफ सम्मेलन में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानव प्राधिकरण का जो है ट्रांस सेफ फ्री लोगो जारी किया है। तो ये दोस्तों नई दिल्ली में इसका जो है जारीकरण किया गया है। यह ट्रांस फैट के खिलाफ अभियान का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होने के साथ ही भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानव प्राधिकरण के ईट राइट इंडिया के जन अभियान में नई गति देने का इसका मुख्य कार्य रहेगा। ईट राइट इंडिया क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2022 तक भारत के लोगों के लिए एक ऐसे न्यू इंडिया के निर्माण के सपने का साकार करना है। ईट राइट इंडिया अभियान के तहत सरकार द्वारा पोषक और स्वास्थ्य खाने की आदतों की प्राथमिकता दी जाएगी। ओके, और ये रहा आप लोगों के लिए इस आज की करंट अफेयर्स का फाइनली लास्ट क्वेश्चन की ओर अपन आ चुके हैं। आप लोगों से क्या कहता है ये क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है आप लोगों को पता होना चाहिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो आप लोगों का मनाया जाता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, अक्टूबर माह के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो अक्टूबर माह के पहले सोमवार को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इस बार 7 अक्टूबर को
विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। और वैसे कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस साल 2019 में इसे 7 अक्टूबर को मनाया गया। और इसका जो है इस वर्ष का जो मुख्य रूप से यदि क्या है बदलने हेतु इस वर्ष का विषय हर साल रखते हैं, तो इसमें इस वर्ष इसका विषय क्या था, कचरे को धन में बदलने हेतु एक अभिनव उपकरण के रूप में सीमांत प्रौद्योगिकी। इस वर्ष इसका मुख्य रूप से विषय था क्या था, कचरे को धन में बदलने हेतु एक अभिनव उपकरण के रूप में सीमांत प्रौद्योगिकी। विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1985 में की गई थी। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र क्या है, 200 देशों का लगभग एक समूह है जिसमें यदि कोई घोषणा की जाती है तो हर देश को माननी ही होती है। ओके, तो इसी के साथ आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ रेगुलर क्लासों को ज्वाइन जरूर करना है, जो नाइट की आप लोगों की जो 4 क्लासें चलती हैं उनको जरूर ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। इसी के साथ मैं प्रमोद सिंह अपनी